देखा हो गया ना आज भी अंधेरा। भैया मैंने सुना है ये सूरज या अंधेरा करके सीधा अमेरिका चले जाते हैं, क्या ये सच है? जा उसी को जाके पूछ सच झूठ। हेड अवे। खाने दे उसे। यदि गाय के लिए कल बिस्कुट रखे ना तो तेरे लिए भी ला दूंगी। माँ लाली सेठ की गाय बिस्कुट खाती है? ए सोमा कोड़ी जरा जोर दिया लाइने। तू पढ़ता ही रहेगा या चाय भी खत्म करेगा? पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है। बा अब सबके लिए जी रहे हो मगर मैं किसके लिए जी रहा हूं? है बा कौन है? तेरे बापू ने पूछ। नरेंद्र टेशन क्यों नहीं आया? बा पापा को कहो ना मुझे नरेंद्र नहीं नरेंद्र बोला करे। नरेंद्र नाम कितलो हारू छे ने बा। अरे आग तेज करो जरा, पूरे घर में धुआं धुआं हुआ है। कितनी बार कहा है कि सूखी लकड़ियां लाया करो, गीली लकड़ियां वजन में भी भारी होती है। हाँ हाँ लाऊंगा। सोम आ टाइम है साइकिल ना चलाए। अम्मे तू किटलिया दो डाल। पापा हाँ एक सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, मुझे हिसाब करना है। मुझे कितनी बार कहा है जो कुछ पूछना है वो गुरुजी को पूछा कर, सही जवाब मिलेगा, समझा? गुरुजी मैं जानना चाहता था कि आप किसके लिए जीते हो? मैं समझा नहीं। यह किताब में स्वामी जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किसके लिए जीते हो। क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? नहीं बिल्कुल नहीं। नरू एक बात बता, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इन महापुरुषों ने क्या किया? हमारे देश की आजादी के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो खुद के लिए नहीं देश के लिए जिए, इसीलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अद्भुत कार्य आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जिंदा है ना? जाओ चलो बच्चों हाजिरी दो। बच्चों सतवारा हाजिर साहब। सामर प्रजापति हाजिर। घनी मंसूर हाजिर। घनी कॉलोनी से कर हाजिर। हरीश सोलंकी नरो, क्या खवाई गई हो? जवाब मड़ी गई हो ने? अच्छा सुन, हरीश की माँ मिलेगी स्टेशन पर, उससे कहना कल गुरुजी ने बुलाया है स्कूल में मिलने के लिए। बोलेगा ना?
चा पीबड़ो चाय चाय आप किसके लिए जीते हो आप किसके लिए जीते हो जा जाकर नाम घटेगा ऋषि माँ कल गुरुजी ने स्कूल में मिलने बुलाया है ए, ये भी तुझे ओछे ओछे चिढ़ाता है क्या नर्मदा तू इसको स्कूल केम नहीं भेजती भाई साहब ये बोझ मेरे माथे छोड़ के वो तो चला गया अब इनको दो वक्त का खिलाऊं कि स्कूल भेजू ना ना ये नरू कह रहा था कि इसका दिमाग स्कूल में बहुत अच्छा चलता है चार किताब पढ़ लेगा तो स्टेशन पे गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी ना इसको बात 100% नहीं पढ़ाई में तो अच्छा है ये अभी आप ही बताओ भाई साहब हैं कौन सी माँ चाहेगी कि उसका लड़का संडास साफ करे इसके पास ऐसी वर्दी नहीं है इसीलिए मास्टर जी स्कूल में बैठने नहीं देते वर्दी ला पाई तो जाएगा स्कूल नहीं तो जो कर रहा वही करता रहेगा इसकी भी चार दिन से दवा लानी है जाओ सु संडास पे पानी डाला है चलो और हरीश की बहन को मुफ्त में चाय पिलाते हो ना केटली समाज दो छह माँ चाल अबे बापू आप किसके लिए जीते हो सुखी है मरु हालटेन बनकर वापा ने सुबह ही तेल भरा है भैया ये लालटेन हमारे लिए जी रहा है उसको जीने दे तू सो जा
अरे सोलंकी, अरे नरू, हरीश की माँ को कल बताया नहीं? गुरुजी बताया था, मगर उसके पास ऐसी गणवेश नहीं है। ठीक है बैठ जाओ। गौरंग हाजर, चंदू मनियार हाजर, शिवलाल पटेल हाजर, मानचंद दास हाजर। गुरुजी नरू मोदी ध्यान क्या छे थारू? हाजिर गुरुजी। के पास पैसे नहीं है तो क्या वो बिना गणवेश के हमारे साथ पढ़ नहीं सकता? नरो, गणवेश का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है, वो एक तरह का अनुशासन है। और अनुशासन छोटा बड़ा नहीं होता है, अनुशासन सिर्फ अनुशासन होता है। आज हमें ये जो छोटा सा दाग दिखता है ना, ये बड़ा होने के बाद धब्बा बन जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हरीश का जीवन धब्बा बने। Thank you.
खुशी बैंक से अपर्णा सिंह बात कर रही हूँ। सर, आपके खाते की सुरक्षा के लिए क्या मैं आपका पिन नंबर जान सकती हूँ? 2163। वक्त के साथ अपराधी हुआ अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। ये नाटक का नाम है पीला फूल। भाइयों, पर्दो खोलो। भोलू देखना, मुन्नी बात नहीं कर रही है। भोलू, मुन्नी 3 दिन से इसे खाना भी नहीं खाया है। बेटा दूध पिएगी? दूध जा बेटा, जा जा कटोरी में दूध लेकर आ, जा जा। भैया दूध लेकर आएगा अभी, सुना नहीं तूने? जा जा मेरे लाडली के लिए दूध ले। माँ, माँ दूध नहीं है घर पे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। घर में काई नहीं खावानू। क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ? मेरे मुन्ने बुखार से मर रही है। कोई हकीम है? डॉक्टर इसे छूने तक को तैयार नहीं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अरे करना क्या है, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है, है? मंदिर में जाके वो पीला फूल होता है जो भगवान पे चढ़ाते, उसको प्रसाद समझ के लिया और इसके माथे में लगा। देख तेरी ये छुटकी है ना, चुटकी में खेलती हो जाएगी। हाँ सच सच कह रहे हो? तो मैं तेरे को खोटा लगता हूँ? माँ माँ मैं अभी जाता हूँ और पीले फूलों का प्रसाद ले आता हूँ। माँ माँ सामने 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 नाटक नो अर्धो भाग हमें पहली बाजू रजू करवाना चाहिए, तो तुम्हें बधा उभा थी आ बाजू आई जाओ तो हमें नाटक नो अर्धो भाग रजू करवाना चालू कर सकते। पंडित जी, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे उसके लिए एक पीला फूल चाहिए। भगवान अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं देता, चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैं छोटी जात का हूँ तो इसमें मेरी गलती क्या? गंदे नाली के कीड़े, तुझे पटा भी है तो किससे सवाल लड़ा रहा है? नहीं, अगर मुझे पीला फूल नहीं मिला तो मेरी बहन मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। भाई वो प्रश्न हो गया, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। Oh, my God.
सामर प्रजापति हाजिर, घने मंसूर हाजिर, सोलंकी। 8 हफ्ता हो गया, लगता है लड़का पढ़ाई छोड़ देगा। देर है लेकिन दुरुस्त है, जा बैसी जा।
हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता। इंडिया का पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा, उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब, आदर्श बोफोर्स कोल धामाची। ABCD आपके कारनामे को छेड़ तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत उसने गुजरात में क्या किया था, मौत का सौदागर है वो, उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए, 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ मैं सौदागर हूं लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी, है कोई जवाब? रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है जी। ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया, लेकिन भाई मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आशा लिए देख रहा है उसकी नजर झुक जाएगी। जो खुद की सुरक्षा की चिंता करे वो देश की हिफाजत क्या करेगा। सॉरी सर लेकिन इंदिरा जी राजीव गांधी इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं उन्हें भगाने जा रहा हूं। बाप प्रणाम बा नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को, तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना सैनिक बनना चाहता था, अब देख बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू तू रड़े छे। एक सैनिक की मां की आंखों में आंसू नहीं गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। जय हिंद बा। कल शाम 7 बजे पटना गांधी मैदान। इस देश की किस्मत बदलनी है तो पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं, पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है, मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अब क्या रहा है? सर ये रैली कैंसिल कर दीजिए, थ्रेट लाइव है, भीड़ लाखों के समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अजय सर स्टेज के दोनों तरफ या सेंटर में और वहां मेन गेट के पास दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए,
पूरा पावर करना है एंड आई नीड 4 ड्रोन्स। हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूँ। स्टेज पे वायरिंग करना जल्दी। ओके सर। मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुंचे? जनाब मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर डोंट वरी, हथियार मेरे पास है। जल्दी करो। मोदी जी पर आतंकी हमले की खबर है, फिर भी आप यहीं हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मोदी जी का कहना है डर से भागना नहीं, डर को भगाना है। और आपको क्या लगता है अब की बार मोदी सरकार? अमरपुर क्या अपडेट है? जनाब आई मीन गुड। नंबर टू, मोदी का कॉन्वॉय आ गया है, मूव फास्ट। नंबर टू कहाँ पहुंच गए? जनाब स्टेज के नीचे पहुंच चुका हूं। तीन बजकर 15 मिनट पर धमाका हो जाएगा, आप सब लोग एकदम तैनात करो। सब रेडी। संदेश है कि हमारी जान से बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है। सर हमने एक को पकड़ लिया, जिहादी नहीं, ट्रेंड ऑफिसर। आज हम नहीं, घबराए तो वो है जो ना हमसे जंग के मैदान में जीत पाए और ना ही क्रिकेट के मैदान। इसीलिए तो इस इलेक्शन का मैच फिक्सिंग करने आए, लेकिन आप लोगों ने यहां आकर आज उनके छक्के छुड़ा दिए। सर इसने हमें बताया इसके साथ दो और लोग हैं इस मिशन पर। मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूं इसके सेफ हाउस पर। ये लोग क्राउड में कहीं भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है? पूरे क्राउड को छान मारा, लेकिन उसके फेस का मैच कहीं नहीं मिला। दोनों इमेजेस को एंट्री पॉइंट पे भेजो, उनको सिक्योरिटी चेक पर भेजो, हर गेट पे भेजो फौरन। आई मीन सर, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अरे ये तो अभी भी यहां से गया, इसके बाद आ रहा था। हेलो सर, अभी अभी यहां से गया, उसके कंधे पे एक लाल बैग है। ड्रोन को एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करो और वहां के सारे कैमरा फीड्स पूछे दो। हे कैमरा सेवन को पीछे दो। सर रेड बैग और इमेज से बिल्कुल मैच करता है। अजय अपनी टीम के साथ वहां जाओ, मैं अभी लोकेशन भेजता हूं। ये रहा, डोंट लूज हिम, डोंट लूज हिम। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। अजी बहुत डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएगा, जो भ्रष्ट है उन्हीं को मोदी से कष्ट है।
उसने तीसरे को दे दिया होगा और हथियार उसी में होंगे। तीसरे को भी ढूंढो। लुक फॉर द रेड बैग। यस सर। अजय गो देयर, गो फास्ट, पकड़ो उसे। सवा तीन हो गए हैं, धमाका क्यों नहीं है वहां तक? नंबर टू कमेल, नंबर टू। वो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का पीएम नहीं बन सकता। हाँ, मुंह में चाय, चाय बेचता था उनकी तरह देश नहीं। हर जवान इस देश का पीएम बन सकता है। हर सफाई कर्मचारी इस देश का पीएम बन सकता है। हर किसान इस देश का पीएम बन सकता है। भारत बदल चुका है साहब, यहां आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम चलेगा। सर, साथ कदम रखें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मोदी को नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप सब में है मोदी। सर, उसके सामने काफी क्राउड है, क्लियर शॉट मिलना मुश्किल है सर। हो सकता है कि स्नाइपर को क्लियर शॉट न करें। अजय, पार्टी ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। इनविटेशन कॉमन मैन, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह, पहले पानी और चाय पत्ती है। हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए। पेट नहीं, शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक, दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नियत भी साफ। अब एक करछी से धीमे से हिलाइए, आवाज नहीं, आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओ नहीं, खाओ मेरा उपवास।
राम जी आइए, शुरू कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? आपको सेवन के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेवा है। सब तैयार? अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। अपनी नींद गंवानी पड़ेगी। आंखों में देश के लिए सपने की नींद के लिए कोई जगह नहीं। नरेंद्र मोदी जानता हूं। मैं गुजरात में धंधा होने दूंगा। गुजरात का धंधा नहीं। बनारस जहां पूरी दुनिया मुक्ति के लिए आती है, अब यहीं से भारत भी मुक्त होगा। वंदे भैया, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। इसे दिल्ली आना है ना, आने दो। संसद के बाहर एक चाय का स्टॉल खोल देंगे, पूरा दिन चाय बिस्ता फिरेगा। देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। आपके गुजरात में मुसलमान आपसे डरे क्यों? मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। जय हिंद। हमारे NRI और हमारे ही गुजरात के NRG, हम सभी को साथ मिलकर एक नया गुजरात, एक नया इंडिया बनाए। जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की उम्मीद करते हैं। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है, और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। इतने बढ़िया विषय पे इतनी बकवास फिल्म इन्होंने बनाई, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। विवेक ओबेरॉय को बोल दीजिएगा कि तुम न जानते हो संघ के बारे में, जानते हो न मोदी के बारे में जानते हो। नरेंद्र मोदी का साथ शानदार व्यक्तित्व, तो उसके साथ आप इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आप सिनेमेटिक लिबर्टी है, ये बकवास है ये फिल्म, पूरी की पूरी फिल्म। इन सारे लोगों को जाके गंगा जी में टूट कर मर जाना चाहिए। कैसे लगी फिल्म आपको? बहुत बढ़िया फिल्म है, और क्योंकि अभी हमारे न्यू PM तो वही हैं मोदी जी, तो इस फिल्म को जरूर बूस्ट मिलेगी। ये फिल्म नरेंद्र मोदी जी का रोल बहुत, विवेक ओबेरॉय पहली बार मेरे को अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। जब से वो इंटरव्यू देते हैं वो TV वालों को ना, वहाँ से एंड तक आधा घंटा पिक्चर एक्स्ट्रॉर्डनरी है। उनकी कहानी सब कुछ अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक ठाक है फिल्म। यहाँ एकदम एकदम ठीक ठाक, और खुद का PM का पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं है, ये बैड लक है इंडिया के लिए। और हमारी मासेस को अगर टैक्स फ्री होती तो बहुत हंगामा कलेक्शन हो जाएगी पिक्चर। कितने साथ देंगे? 5 मैं 5 से 5 दे रहा हूँ। बहुत फिक्शनल है, बहुत सारी बातें ऐसी जो हैं वो फिल्म में दिखाई नहीं गई हैं। तो जो दर्शक मोदी जी के फैन हैं, जो उनकी किताबें पढ़ते हैं, या जो रेगुलर वोटर जो हैं, जो न्यूज़ चैनल देखते आ रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये पूरा फिक्शनल है। कुछ चीज़ें सेट करके ही दिखाई गई हैं, तो सच्चाई बहुत कम नज़र आई उसमें। उनकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से स्केच किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रांडिंग ही था NDA का। जी, ये बताइए कि जो फिल्म है लोगों को कितना, लोगों को इन्फ्लुएंस इसलिए करेगी कि एक आम घर का बेटा आज प्रधानमंत्री बनता है, तो मिडिल क्लास घर के या लोअर मिडिल क्लास के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनके निजी जीवन को लेकर जो दिखाया गया वो बहुत ज़्यादा फिक्शनल लगा, उसमें तथ्य बहुत कम लग रहे थे। ठीक है, क्या कहेंगे लोगों से जो फिल्म देखना चाहते हैं? अगर आप NDA के समर्थक हैं, आप मोदी जी के फैन हैं, तो आपको फिल्म सरहद पे कटते
हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है और लोगों को डर है कि आप इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना लें। आप समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब, क्योंकि हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक सोच है। हिंदुइज्म की वजह से यह देश सेक्युलर है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला एक पंडित भी हमारे लिए हिंदू है और बुत परस्ती में ना मानने वाला एक इंसान भी हमारे लिए हिंदू है। धर्म से नहीं, संस्कृति से। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां नमाज सड़क पे पढ़ी जाती है और गणपति का जुलूस भी निकलता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े सेक्युलर देशों हिजाब बैन है साथ, हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति सिर्फ एक मुसलमान हो सकता है, हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रह चुके। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, जहां धर्म से बढ़कर एक चीज है, देश। जोशी, ये सब छोड़िए मोदी जी, ये बताइए कि जब तक आपके ऊपर गोधरा कांड में चल रहे एसआईटी कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। जनता तो छोड़िए, आपके खुद की पार्टी आपको कैसे स्वीकार करे? इसका जवाब आपको अगले 30 सेकंड में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए और उनके लिए भी। मोदी जी जय। अभी कुछ सवाल बाकी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी कोर्ट ने कोधरा दंगों के मामले में निर्दोष करार दिया है। देखा, हो गया ना आज भी अंधेरा। भैया मैंने सुना है ये सूरज या अंधेरा करके सीधा अमेरिका चले जाते हैं, क्या ये सच है? जा उसी को जाके पूछ सच झूठ। हेड अवे। खाने दे उसे। यदि गाय के लिए कल बिस्कुट रखे ना तो तेरे लिए भी ला दूंगी। माँ, लाली शेख की गाय बिस्कुट खाती है?
दे जरा जोर दिया लाइन है। तू पढ़ता ही रहेगा या चाय भी खत्म करेगा? पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है। बा अब सबके लिए जी रहे हो मगर मैं किसके लिए जी रहा हूं? है बा कौन है? तेरे बापू ने पूछ। नरेंद्र टेशन क्यों नहीं आया? बा पापा को कहो ना मुझे नरेंद्र नहीं नरेंद्र बोला करे। नरेंद्र नाम कितलो हारू छे ने बा। अरे आग तेज करो जरा, पूरे घर में धुआं धुआं हुआ है। कितनी बार कहा है कि सूखी लकड़ियां लाया करो, गीली लकड़ियां वजन में भी भारी होती है। हाँ हाँ लाऊंगा। सोम आ टाइम है साइकिल ना चलाए। अम्बे तू किटलिया दौड़ा। पापा हाँ एक सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, मुझे हिसाब करना है। मुझे कितनी बार कहा है जो कुछ पूछना है वो गुरुजी को पूछा कर, सही जवाब मिलेगा, समझा? गुरुजी मैं जानना चाहता था कि आप किसके लिए जीते हो? मैं समझा नहीं। यह किताब में स्वामी जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किसके लिए जीते हो। क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? नहीं बिल्कुल नहीं। नरू एक बात बता, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इन महापुरुषों ने क्या किया? हमारे देश की आजादी के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो खुद के लिए नहीं देश के लिए जिए, इसीलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अद्भुत कार्य आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जिंदा है ना? जाओ चलो बच्चों हाजिरी दो। बच्चों सतवारा हाजिर साहब। सामर प्रजापति हाजिर। गनी मंसूर हाजिर। गनी कॉलोनी से कर हाजिर। हरीश सोलंकी नरो क्या खवाई गई हो? जवाब मड़ी गए हो ने? अच्छा सुन, हरीश की माँ मिलेगी स्टेशन पर, उससे कहना कल गुरुजी ने बुलाया है स्कूल में मिलने के लिए। बोलेगा ना? ऊपर अपना सीखना सही। ला चाय पिला दे। हाँ कह चुके नरो टीसी सर में चाय पी बड़ो। चाय चाय आप किसके लिए जीते हो? हाँ आप किसके लिए जीते हो? <laughs>
जाए जाके नान खटेगा। ऋषि माँ, कल गुरुजी ने स्कूल में मिलने बुलाया है। ए, ये भी तुझे ओछे ओछे चिढ़ाता है क्या? नर्मदा, तू इसको स्कूल क्यों नहीं भेजती? भाई साहब, ये बोझ मेरे माथे छोड़ के वो तो चला गया, अब इनको दो वक्त का खिलाऊं कि स्कूल भेजूं? ना ना, ये नरू कह रहा था कि इसका दिमाग स्कूल में बहुत अच्छा चलता है, चार किताब पढ़ लेगा तो स्टेशन पे गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी ना इसको। बात 100% नहीं, पढ़ाई में तो अच्छा है ये। अभी आप ही बताओ भाई साहब, हैं कौन सी माँ चाहेगी कि उसका लड़का संडास साफ करे? इसके पास ऐसी वर्दी नहीं है, इसीलिए मास्टर जी स्कूल में बैठने नहीं देते। वर्दी ला पाई तो जाएगा स्कूल, नहीं तो जो कर रहा वही करता रहेगा। इसकी भी चार दिन से दवा लानी है। जाओ सु, संडास पे पानी डाला है। चलो और हरीश की बहन को मुफ्त में चाय पिलाते हो ना? केटली समाज दो छह माँ चाल अबे। बापू, आप इसके लिए जीते हो? सुखी है मरु, लालटेन बनकर बापा ने आज सुबह ही तेल भरा है। भैया, ये लालटेन हमारे लिए जी रहा है। उसको जीने दे, तू सो जा। अरे सोलंकी, अरे नरू, हरीश की माँ को कल बताया नहीं? गुरुजी बताया था, मगर उसके पास ऐसी गणवेश नहीं है। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। गौरंग हाजर, चंदू मनियार हाजर, शिवलाल पटेल हाजर, मानचंद दास हाजर। गुरुजी नरू मोदी, नरू मोदी
ध्यान क्या छे थारू? हाजिर गुरुजी। के पास पैसे नहीं है तो क्या वो बिना गणवेश के हमारे साथ पढ़ नहीं सकता? नरो, गणवेश का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है, वो एक तरह का अनुशासन है। और अनुशासन छोटा बड़ा नहीं होता है, अनुशासन सिर्फ अनुशासन होता है। आज हमें ये जो छोटा सा दाग दिखता है ना, ये बड़ा होने के बाद धब्बा बन जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हरीश का जीवन धब्बा बने।
खुशी बैंक से अपर्णा सिंह बात कर रही हूँ। सर, आपके खाते की सुरक्षा के लिए क्या मैं आपका पिन नंबर जान सकती हूँ? 2163। वक्त के साथ अपना भी हुआ अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। ये नाटक का नाम है पीला फूल। भाइयों, पर्दो खोलो। भोलू देखना, मुन्नी बात नहीं कर रही है। भोलू, मुन्नी 3 दिन से इसे खाना भी नहीं खाया है। बेटा दूध पिएगी? दूध दूध पीस? जा जा बेटा, जा जा कटोरी में दूध लेकर आ, जा जा। भैया दूध लेकर आएगा अभी, सुना नहीं तूने? जा जा मेरी लाडली के लिए दूध ले। माँ माँ दूध नहीं है घर पे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। घर में काई नहीं खावानू। क्यों रो रही है? हाँ क्या हुआ? मेरी मुन्नी बुखार से मर रही है। कोई हकीम है? डॉक्टर इसे छूने तक को तैयार नहीं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अरे करना क्या है, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है, है? मंदिर में जाके वो पीला फूल होता है जो भगवान पे चढ़ाते, उसको प्रसाद समझ के लिया और इसके माथे में लगा। देख तेरी ये छुटकी है ना, चुटकी में खेलती हो जाएगी। हाँ सच सच कह रहे हो? तो मैं तेरे को खोटा लगता हूँ? माँ माँ मैं अभी जाता हूँ और पीले फूलों का प्रसाद ले आता हूँ। माँ माँ सामने 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 नाटक नो अर्धो भाग में पहली बाजू रजू करवाना चाहिए, तो तुम्हें बधा उभा थी आ बाजू आई जाओ तो हमें नाटक नो अर्धो भाग रजू करवाना चालू कर सकते। पंडित जी, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे उसके लिए एक पीला फूल चाहिए। भगवान अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं देता, चल निकल यहाँ से। ओछा गई का? नहीं नहीं, मैं छोटी जात का हूँ तो इसमें मेरी गलती क्या? गंदे नाली के कीड़े, तुझे पता भी है तो किससे सवाल लड़ा रहा है? नहीं, अगर मुझे पीला फूल नहीं मिला तो मेरी बहन मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। अरे वो प्रश्न हो गया, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। Thank you.
सामर प्रजापति गनी मंसूर गनी सोलंकी, 8 हफ्ता हो गया, लगता है लड़का पढ़ाई छोड़ देगा।
हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता। इंडिया का पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा, उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब, आदर्श बफोर्स कोल ड्रामाची। ABCD आपके कारनामे को छेड़ तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत उसने गुजरात में क्या किया था, मौत का सौदागर है वो, उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए, 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ मैं सौदागर हूं लेकिन मौत का नहीं विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी, है कोई जवाब? रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है जी। ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन भाई मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आश्चर्य देख रहा है उसकी नजर झुक जाएगी। जो खुद की सुरक्षा की चिंता करे वो देश की हिफाजत क्या करेगा। सॉरी सर लेकिन इंदिरा जी राजीव गांधी इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं उन्हें भगाने जा रहा हूं। बाप प्रणाम। बा नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को, तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना सैनिक बनना चाहता था, अब देख बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू तू रड़े छे। एक सैनिक की मां की आंखों में आंसू नहीं गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। कल शाम 7 बजे पटना गांधी मैदान। इस देश की किस्मत बदलनी है तो पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं, पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब क्या रहा? सर ये रैली कैंसिल कर दो, थ्रेट लाइव है, भीड़ लाखों की समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अच्छा सर स्टेज के दोनों तरफ या सेंटर में और वहां मेन गेट के पास दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए,
पूरा पावर करना एंड आई नीड 4 ड्रोन्स। हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूँ। स्टेज पे वायरिंग करना जल्दी। ओके सर। मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुंचे? जनाब मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर डोंट वरी, हथियार मेरे पास है, जल्दी करो। मोदी जी पर आतंकी हमले की खबर है, फिर भी आप यहीं हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मोदी जी का कहना है डर से भागना नहीं, डर को भगाना है। और आपको क्या लगता है अब की बार मोदी सरकार? अमर तू क्या अपडेट है? जनाब आई मीन गुड। नंबर टू, मोदी का कॉन्वॉय आ गया है, मूव फास्ट। नंबर टू कहाँ पहुंच गए? जनाब स्टेज के नीचे पहुंच चुका हूं। तीन बजकर 15 मिनट पर धमाका हो जाएगा, आप सब लोग एकदम तैनात करो। सब तैयारी। संदेश है कि हमारी जान से बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है। सर हमने एक को पकड़ लिया, जिहादी नहीं ट्रेंड ऑफिसर। आज हम नहीं घबराए तो वो है जो ना हमसे जंग के मैदान में जीत पाए और ना ही क्रिकेट के मैदान। इसीलिए तो इस इलेक्शन का मैच फिक्सिंग करने आए, लेकिन आप लोगों ने यहां आकर आज उनके छक्के छुड़ा दिए। सर इसने हमें बताया इसके साथ दो और लोग हैं इस मिशन पर। मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूं उनके सेफ हाउस पर। ये लोग क्राउड में कहीं भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है? पूरे क्राउड को छान मारा लेकिन उसके फेस का मैच कहीं नहीं मिला। दोनों इमेजेस को एंट्री पॉइंट पे भेजो, उनको सिक्योरिटी चेक पर भेजो, हर गेट पे भेजो फौरन। आई मीन सर, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अरे ये तो अभी भी यहां से गया, इसके पास आ रहा था। हेलो सर, अभी यहां से गया, उसके कंधे पे एक लाल बैग है। ड्रोन को एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करो और वहां के सारे कैमरा फिक्स पूछे दो। हे कैमरा सेवन को पीछे दो। सर रेड बैग और इमेज सिविल को मैच करता है। अजय अपनी टीम के साथ वहां जाओ, मैं भी लोकेशन भेजता हूं। ये रहा, डोंट लूज हिम, डोंट लूज हिम। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। अजी बहुत डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएगा, जो भ्रष्ट है उन्हीं को मोदी से कष्ट है।
प्रोटेक्टेड नहीं सर। उसने तीसरे को दे दिया होगा और हथियार उसी में होंगे। तीसरे को भी ढूंढो। लुक फॉर द रेड बैग। यस सर। अजय गो देयर, गो फास्ट, पकड़ो उसे। सवा तीन हो गए हैं, धमाका क्यों नहीं हुआ तक? नंबर टू, नंबर टू कमेल, नंबर टू। वो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का पीएम नहीं बन सकता। हाँ, मुंह में चाय, चाय बेचता था उनकी तरह देश नहीं। हर जवान इस देश का पीएम बन सकता है। हर सफाई कर्मचारी इस देश का पीएम बन सकता है। हर किसान इस देश का पीएम बन सकता है। भारत बदल चुका है साहब। यहां आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम चलेगा। सर साथ कदम रखें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मोदी को नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप सब में है मोदी। सर उसके सामने काफी क्राउड है, क्लियर शॉट मिलना मुश्किल है सर। हो सकता है कि स्नाइपर को क्लियर शॉट न मिले। गुजरात डेवलपमेंट बॉडी सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह, पहले पानी और चाय पत्ती डाली, हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए। प्लेट नहीं, शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नियत भी साफ। अब एक करछी से धीमे से हिलाइए, आवाज में आपका आउटपुट शोर नहीं मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओ नहीं खाओ आज से मेरा उपवास।
राम जी आइए, शुरू कीजिए। ये अज्ञा कर आपको सेवन के लिए, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेवा है। सब तैयार? अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। अपनी नींद गंवानी पड़ेगी। आंखों में देश के लिए इस सपने की नींद के लिए कोई जगह ही नहीं। नरेंद्र मोदी जानता हूं। मैं गुजरात में धंधा होने दूंगा, गुजरात का धंधा नहीं। बनारस जहां पूरी दुनिया मुक्ति के लिए आती है, अब यहीं से भारत भी मुक्त होगा। वंदे भैया। हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। इसे दिल्ली आना है ना, आने दो। संसद के बाहर एक चाय का स्टॉल खोल देंगे, पूरा दिन चाय बेचता फिरेगा। देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। आपके गुजरात में मुसलमान आपसे डरे क्यों? मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। जय हिंद। हमारे NRI और हमारे ही गुजरात के NRG, हम सभी को साथ मिलकर एक नया गुजरात, एक नया इंडिया बना। जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की उम्मीद करते हैं। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है, और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा? उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब। आदर्श, बफोर्स, कोल, दामाजी। ABCD आपके कारनामे को झेट तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत उसने गुजरात में क्या किया था। मौत का सौदागर है वो, उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए, 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ, मैं सौदागर हूं लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी? है कोई जवाब? आखिरी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी, और ये जंग दिल्ली। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है जी। ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर, आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं खास आपको टारगेट करने के लिए, गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन भाई मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आश्चर्य देख रहा है उसकी नजर चूक जाएगी। क्यों?
खुद की सुरक्षा की चिंता करे वो देश की हिफाजत क्या करेगा। सॉरी सर, लेकिन इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी, मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं, उन्हें भगाने जा रहा हूं। बाप प्रणाम, बस नरेन भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को, तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना, सैनिक बनना चाहता था, अब देख बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू तू रड़े छे? एक सैनिक की मां की आंखों में आंसू नहीं, गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। जय हिंद। कल शाम 7 बजे पटना गांधी मैदान। इस देश की किस्मत बदलनी है तो पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर, सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं, पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव, काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अब क्या रहा? सर, ये रैली कैंसिल कर दो, थ्रेट लाइव है, भीड़ लाखों के समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अजय सर, स्टेज के दोनों तरफ या सेंटर में और वहां मेन गेट के पास दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए, पूरा कवर करना, एंड आई नीड 4 ड्रोन्स, हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूं। स्टेज पे वायरिंग करना जल्दी। ओके सर, मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुंचे? जनाब, मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर डोंट वरी, हथियार मेरे पास है, जल्दी करो। मोदी जी पर आतंकी हमले खबर है, फिर भी आप यहीं हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मोदी जी का कहना है डर से भागना नहीं, डर को भगाना है। और आपको क्या लगता है अब की बार मोदी सरकार? अमरतू, क्या अपडेट है? जनाब, आई मीन गुड। नंबर टू, मोदी का कॉन्वॉय आ गया है, मूव फास्ट स्टेशन। नंबर टू, कहाँ पहुंचे? जनाब, स्टेज के नीचे पहुंच चुका हूं। तीन बजकर 15 मिनट पर धमाका हो जाएगा, आप सब लोग एकदम तैनात करो। सब तैयारी।
इतने बड़े खतरे के बावजूद आप सब यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। यह हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हमारी जान से बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है। सर, हमने एक को पकड़ लिया है, जिहादी नहीं, ट्रेंड ऑफिसर। आज हम नहीं, घबराए तो वो है जो ना हमसे जंग के मैदान में जीत पाए और ना ही क्रिकेट के मैदान। इसीलिए तो इस इलेक्शन का मैच फिक्सिंग करने आए, लेकिन आप लोगों ने यहां आकर आज उनके छक्के छुड़ा दिए। सर, इसने हमें बताया इसके साथ दो और लोग हैं इस मिशन पर। मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूं उनके सेफ हाउस पर। ये लोग क्राउड में कहीं भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है? पूरे क्राउड को छान मारा, लेकिन उसके फेस का मैच कहीं नहीं मिला। दोनों इमेजेस को एंट्री पॉइंट में भेजो, उनको सिक्योरिटी चेक पर भेजो, हर गेट में भेजो, फौरन। आई मीन सर, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अरे, ये तो अभी भी यहां से गया, इसके बाद आ लगता। हेलो सर, अभी अभी यहां से गया, उसके कंधे पे एक लाल बैग है। ड्रोन को एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करो और वहां के सारे कैमरा फिक्स पूछे दो। हे, कैमरा सैन को पीछे दो। सर, रेड बैग और इनविंसिबल को मैच करता है। अजय, अपनी टीम के साथ वहां जाओ, मैं भी लोकेशन भेजता हूं। ये रहा, डोंट लूज हिम, डोंट लूज हिम। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है, और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। अजीब और डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएगा। जो भ्रष्ट है उन्हीं को मोदी से कष्ट है। उसने तीसरे को दे दिया होगा और हथियार उसी में होंगे। तीसरे को भी ढूंढो। लुक फॉर द रेड बैग। यस सर। अजय, गो देयर, गो फास्ट, पकड़ो उसे। सवातीन हो गए हैं धमाका। वो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का पीएम नहीं बन सकता। हाँ, हूं मैं चाय। चाय बेचता था उनकी तरह, देश नहीं। हर जवान इस देश का पीएम बन सकता है। हर सफाई कर्मचारी इस देश का पीएम बन सकता है। हर किसान इस देश का पीएम बन सकता है। भारत बदल चुका है साहब। यहां आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम चलेगा। सर, साथ कदम रखें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा।
मुझे मार सकते हैं लेकिन मोदी को नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप सब में है मोदी। Do you have a clear shot? सर उसके सामने काफी क्राउड है, क्लियर शॉट मिलना मुश्किल है सर। हो सकता है कि स्नाइपर को क्लियर शॉट ना मिले। अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। इनविटेशन कॉमन मैन, गुजरात डेवलपमेंट बोर्ड सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह, पहले पानी और चाय पत्ती है। हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए। पेट नहीं, शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगा, पेट साफ और नियत भी साफ। अब एक करछी से धीमे से हिलाइए, आवाज नहीं, आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोनी क्या है, खाओ नहीं खाओ ना, आज से मेरा उपवास। राम जी आइए, शुरू कीजिए। यह अर्घ्य कर आपको सेवन के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए।